नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तर्ज्ञान में। मैं हूं आपका दोस्त दिग्विजय विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं तर्ज्ञान। इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए कुछ प्रश्न लेकर आया हूं, जिसमें जिसको आपको प्रैक्टिस करना है। ये प्रश्न 2019 दिसंबर में जो नेट की परीक्षा होने जा रही है, पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चंस हैं ये। तो जो लोग पॉलिटिकल साइंस को अपना सेकंड पेपर जिन्होंने चुन रखा है, उनके लिए क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि मेरा मानना है कि जितने ज़्यादा आप प्रश्नों का अभ्यास करेंगे, करने की कोशिश करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही ज़्यादा आप अच्छे से यूजीसी नेट के पेपर में पॉलिटिकल साइंस के पेपर को हल कर पाएंगे। कौन से पेपर में अभ्यास के बिना जाया जा सकता है, ऐसा कोई पेपर नहीं है। इसलिए जितना ज़्यादा हम अभ्यास करेंगे, उतना ज़्यादा सफलता की गारंटी हम लोगों के हाथ में होगी। तो कुछ प्रश्न 30-31 के आसपास का ये पूरा प्रश्न होगा, जिसमें आप सभी लोग, मैं आपको प्रश्न बताऊंगा, फिर उसको आप खुद से करने की कोशिश करें, लास्ट में मैं आपको आंसर भी उसका बताऊंगा। और इस तरीके से ये एक प्रैक्टिस सेट होगा, जिसको आप करेंगे तो निश्चित तौर पर ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। तो शुरू करते हैं इस वीडियो में कुछ प्रश्न पॉलिटिकल साइंस के, जो कि आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं यूजीसी नेट 2019 से संबंधित। मैं आपको प्रश्न बताता जाऊंगा और आप प्रश्न पढ़ने के बाद उसका उत्तर देंगे। सबसे पहला प्रश्न, कौटिल्य की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका उत्तर आपको बताना है। चार ऑप्शन है, चार में से एक ऑप्शन सही है जिसका जवाब आपको देना है। ऑप्शन नंबर एक है, वे राजनीतिक से अर्थशास्त्र को एक स्वतंत्र विषय बनाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। ऑप्शन नंबर टू, उन्होंने राजनीति के एक ऐसे सिद्धांत का प्रतिपादन किया जो राजव्यवस्था के प्रत्यक्ष व्यवहारिक सरोकारों से संबंधित था। ऑप्शन नंबर तीन, उन्हें नीति शास्त्र परंपरा का संस्थापक होने का श्रेय दिया जाता है। ऑप्शन नंबर चार है, पहली बार उन्होंने भारत में एक सुदृढ़ राजनीतिक नियंत्रण की जरूरत पर जोर दिया। इन ऑप्शन, ये चार ऑप्शन हैं, चार ऑप्शन में से जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर तीन, उन्हें नीति शास्त्र परंपरा का संस्थापक होने का श्रेय दिया जाता है। इस स्लाइड में आपको दो प्रश्न दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से जो ऊपर वाला प्रश्न है, सबसे पहले उसे हल करने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कहा कि रिपब्लिक इस कारण से एक आदर्श राज्य की तस्वीर नहीं देता कि यह एक रोमांस है, बल्कि प्लेटो चाहते थे कि यह भलाई के विचार पर एक वैज्ञानिक आक्रमण की शुरुआत बने। चार ऑप्शन है, ये किसने कहा है रिपब्लिक के बारे में। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए जी एच सेबाइन, दो डानिंग, तीसरा ई बार्कर और चौथा एबिनस्टीन का। तो इन ऑप्शनों में से आपको सही जवाब बताना है और सही जवाब आप सोचें और वीडियो को प्यो रोक लें और सोचें, फिर उसके बाद जवाब, क्योंकि मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। आंसर है इसका, आंसर नंबर ऑप्शन नंबर टू, डानिंग ने ऐसा कहा था। अगला जो आप देखेंगे, अगला प्रश्न जो है, निम्नलिखित में से किसने कहा कि काल के क्रम में राज परिवार या व्यक्ति के बाद आता है, लेकिन प्रकृति के क्रम में उनसे पहले आता है। यहाँ पर भी चार ऑप्शन हैं, सेल्फास, दूसरा ऑप्शन थ्रासीमकस, तीसरा ऑप्शन अरस्तु, चौथा लेकोफोन। इन चार ऑप्शन में से आपको सही जवाब देना है। तो वही तरीका है, आप पहले खुद से जवाब दें और फिर मैं जो आंसर बता रहा हूँ उसे आप मिलाएं कि आपका आंसर सही था या गलत था। तो सही जवाब है इसका आंसर नंबर तीन, अरस्तु ने ऐसा कहा कि काल के क्रम में राज्य परिवार या व्यक्ति के बाद आता है, लेकिन प्रकृति के क्रम में उन सबसे पहले आता है। चलते हैं अगली स्लाइड पर। अगला प्रश्न है, लॉक के लिए निम्नलिखित में से कौन सामाजिक संविदा की दृष्टि से सही नहीं है? चार ऑप्शन है, पहला ऑप्शन, संविदा एक बार किए जाने पर अपरिवर्तनीय हो जाती है। दूसरा, संविदा जिसके प्रति हर एक पीढ़ी को सहमति नहीं देनी चाहिए। तीसरा, संविदा जिसमें व्यक्ति वे कुछ एक अधिकार छोड़ देते हैं जो वे प्रकृति की स्थिति में रखते थे। चौथा ऑप्शन है, संविदा प्रकृति के नियम पर विराम नहीं लगाती। इन चार ऑप्शनों में से आपको सही जवाब देना है और सही जवाब है ऑप्शन नंबर टू,
संविदा जिसके प्रति हर एक पीढ़ी को सहमति नहीं देनी चाहिए, लॉक की दृष्टि में, सामाजिक संविदा की दृष्टि से ये सही नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। है रूसो के लिए निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? व्यक्ति के आत्मप्रेम जो उसकी वास्तविक ज़रूरतों की पूर्ति करता है, सिर्फ गौरव बनाने के लिए, वर्ण करने के निमित्त है। दूसरा ऑप्शन, गौरव सहानुभूति से असंगत बन जाता है। तीसरा ऑप्शन, गौरव से सभी बुराई उत्पन्न होती है। चौथा ऑप्शन है, गौरव तर्क को उत्प्रेरित नहीं करता है। इन सभी ऑप्शन में से चौथा ऑप्शन सही है, गौरव तर्क को उत्प्रेरित नहीं करता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन के रूप में और दूसरे को कारण के रूप में निरूपित किया गया है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। सबसे पहले अभिकथन, जे एस मिल के लिए इच्छा शक्ति राज्य सहित सभी संस्थाओं का आधार है। इसका कारण दिया है, इच्छा शक्ति न केवल संख्या पर निर्भर है बल्कि इसका एक गुणात्मक आधार है, और वह इच्छा शक्ति जो संस्थाओं को बनाती है विश्वास का रूप ले लेती है। इसके चार ऑप्शन हैं, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। दूसरा ऑप्शन में कहता है, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तीसरा, ए सही है लेकिन आर गलत है। चौथा ऑप्शन, ए गलत है लेकिन आर सही है। इन सभी ऑप्शन में से आपको एक करेक्ट आंसर चूज करना है, जिसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। तो ये सवाल, ऐसे सवाल बहुत सारे नेट में पूछे जाते हैं, तो आप इसी हिसाब से प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। मैं वही सवाल लेकर आया हूं जो कि पिछले परीक्षाओं में पूछे गए हैं यूजीसी नेट में। अगला प्रश्न है, दो, इसमें मिलान करना है, आपको साफ साफ दिख रहा है, मिलान करना है। ऑप्शन दिए गए हैं, ए बी सी डी ऑप्शन है, और ऑप्शन को आप खुद पढ़कर मिलान करें। मैं सिर्फ आपको ऑप्शन कौन सा सही है वो बता देता हूँ। इसमें जो मिलान है, ये जो कूट दे रखा है, ये इसमें जो कूट नंबर टू है, जिसमें ए में फोर है, बी में वन है, सी में टू है एंड डी में थ्री है, ये ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसने साप्ताहिक पत्रिका कर्मयोगी और धर्म को शुरू किया था? चार ऑप्शन है, महात्मा गांधी, अरविंदो, रणाडे या तिलक ने। तो ऑप्शन नंबर इसमें जो दो है, अरविंदो ने ये दोनों पत्रिकाएं शुरू की थी। अगला प्रश्न है, आप देख ही रहे हैं, एक अभिकथन है, उसका कारण दिया गया है, और जो कूट दिया गया है कि कारण और अभिकथन को लेकर, उन कूट में से आपको कोई एक सही ऑप्शन चुनना है। आप प्रश्न पढ़ लें और वीडियो को रोक कर आराम से देखें कि इसका ऑप्शन क्या हो सकता है। मैं इसका, आप ऑप्शन कौन सा सही है उसका उत्तर आपको बता देता हूं। इसमें ऑप्शन नंबर एक सही है। तो आपने जो आंसर सोचा था, क्या वही आंसर मैंने बताया है जो कि सही आंसर है? तो इस तरीके से आप मिलान करें और प्रैक्टिस करें तो यही एक बेहतर तरीका है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर आप देखेंगे दो प्रश्न हैं। सबसे पहले ऊपर वाला जो प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसने कहा, मेमनों से उन उतर कतर लिए गए हैं और विसर्दी की तीव्रता को महसूस कर रहे हैं? चार ऑप्शन आपको दिए हैं, जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, बी एन राव या के टी शाह। इस आंसर का, इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है, वो जवाब है ऑप्शन नंबर टू, बी आर अम्बेडकर ने ऐसा कहा था। अगला प्रश्न आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आप चार ऑप्शन दिए गए हैं, चार में से पहला ऑप्शन है, पारंपरिक राजनीतिक सिद्धांत अनुशासन मूलक और मानकीय हैं। दूसरा ऑप्शन, व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत एक रूपताओं और नियमितताओं से जुड़ा हुआ है। अगला ऑप्शन है, उत्तर उदार व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत कार्रवाई और संगतता से जुड़ा हुआ है। अगला ऑप्शन है, उत्तर व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत संग्रामात्मक नहीं है। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें से ऑप्शन नंबर चार सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने समाज के परस्पर फायदे के लिए एक सहकारी उद्यम, कमोवेश आत्मनिर्भर और आवश्यकता नियमों के द्वारा शासित के रूप में परिकल्पना की है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, रॉबर्ट नॉजिक, फेडरिक हायक, जॉन रॉल्स, कार्ल मार्क्स। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर तीन, जॉन रॉल्स ने ऐसी कल्पना की है। अगली स्लाइड में आप देखेंगे आपके पास दो प्रश्न हैं, निम्नलिखित में से किसने आलेख
दी जिगजैग ऑफ पॉलिटिक्स लिखा है। आपके पास चार ऑप्शन हैं, चार ऑप्शन में जॉन रॉल्स, एच ए हाइक आर नॉजिक, जे हैबरमास। इसमें से आपको सही जवाब बताना है और सही जवाब है आर नॉजिक ने ये लिखा है। अगला इसमें आप देखेंगे, इसी में आपको दिख रहा है, निम्नलिखित में से कौन समुदायवाद के प्रतिपादक नहीं है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, एल सेडेयर, मानिकटियर, माइकल सैंडल, माइकल वल्जर, फेडरिक हायक। इसमें से सही जवाब है ऑप्शन नंबर चार, फेडरिक हायक समुदायवाद के प्रतिपादक नहीं है। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र की विशेषताएं नहीं है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं और इसका सही जवाब चुनने के लिए आपको चार कूट भी दिए गए हैं। तो चार ऑप्शन हैं, लोकतंत्र के लिए राजनीतिक समानता अपेक्षित है, ऑप्शन नंबर टू, सभी नागरिकों को निर्वाचन में खड़े होने का हक प्राप्त है चाहे उनकी नस्ल, लिंग, रंग या धर्म कुछ भी हो। अगला ऑप्शन कहता है, सभी नागरिकों के पास एक मत अवश्य होना चाहिए, सर्वसुलभ वयस्क मताधिकार। और अंतिम ऑप्शन में कहता है, अंतिम विकल्प कहता है, राजनीतिक समानता का अर्थ एक व्यक्ति का एक मत और एक मत का एक मान। चार कूट दिए गए हैं और इन चारों कूटों में से जो कूट नंबर चार है, ए बी सी डी, ये सही है। अगला प्रश्न आप देखें, यहाँ कुछ किताबें दी गई हैं और उनके लेखक। तो यहाँ करना यह है कि किताबों का उनके लेखकों के साथ मिलान करना है और चार ऑप्शन लेखकों के हैं, चार ऑप्शन किताबों के हैं और इन सभी को मिलान करने के लिए कूट दिया गया है और ये कूट में जो सही ऑप्शन है उस कूट के ऊपर आपको निशान लगाना है। तो आप पहले खुद से सोचें, मैं आपको सही उत्तर बता रहा हूं और सही उत्तर है कूट नंबर एक। कूट नंबर एक जो है वो इस प्रश्न में सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मार्क्स के अधिशेष मूल्य सिद्धांत के निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं। चार विशेषताएं दी हुई हैं, यह रिकार्डो के सिद्धांत का विस्तारित रूप है। दूसरा ऑप्शन, श्रम शक्ति श्रमिक की मस्तिष्क, मांसपेशी और तंत्रिका के बराबर होती है। अगला ऑप्शन है, प्रत्येक पदार्थ का मूल्य उसमें निहित श्रम की मात्रा के समानुपाती है। और डी ऑप्शन में दे रखा है, उत्पादन में जितने श्रम घंटे लगे कामगार को उसकी संख्या के अनुपात में अवश्य भुगतान किया जाना चाहिए। इस प्रश्न में कूट दिया गया है, कूट का इस्तेमाल करते हुए आपको सही जवाब देना है। मैं आपको सही जवाब बता रहा हूँ, इस प्रश्न का सही जवाब है कूट संख्या तीन जो है वो सही है, ए बी डी इसमें सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी सिद्धांत में लेनिन का योगदान है। चार ऑप्शन है, सर्वहारा के अग्रदल के रूप में पार्टी का उनका सिद्धांत जो क्रांति के पहले और बाद में दोनों में जनसाधारण का मार्गदर्शन करता है। ऑप्शन नंबर टू, पूंजीवादी साम्राज्यवाद का उनका सिद्धांत जिसको उन्होंने पूंजीवाद के मध्यवर्ती चरण के रूप में माना। ऑप्शन नंबर तीन, दुनिया के पहले सर्वहारा राज्य के पुनर्निर्माण के लिए उनका विचार। और ऑप्शन नंबर डी है, क्रांति की रणनीति और दांव पेच का उनका सिद्धांत। इस प्रश्न में कूट के द्वारा आपको प्रश्न का जवाब देना है। तो इस प्रश्न में जो सही जवाब है वो है कूट संख्या दो, ए सी और डी, ये सही जवाब है। अगली स्लाइड में आप देखेंगे आपको तीन प्रश्न दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले पहला प्रश्न जो ऊपर है, सबसे पहले, निम्नलिखित में से कौन एक विचारधारा की विशेषता नहीं है। तो चार ऑप्शन है, एक राजनीतिक आस्था प्रणाली, दूसरा ऑप्शन है राजनीतिक विचारों का एक कार्यवाही उन्मुख समुच्चय, तीसरा विचार है एक खास सामाजिक वर्ग या सामाजिक समूह का वैश्विक नज़रिया, अगला ऑप्शन है वे राजनीतिक विचार जो वर्ग या सामाजिक हितों को समाविष्ट या व्यक्त नहीं करते। चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है आपको बताना है और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर चार, वे राजनीतिक विचार जो वर्ग या सामाजिक हितों को समाविष्ट या व्यक्त नहीं करते, ये एक राजनीति एक विचारधारा की विशेषता नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने तुलनात्मक राजनीति की परिभाषा दलों, हितों और नेतृत्व संरचना के मुख्य रूप से संबंधित होने के रूप में दी। चार ऑप्शन, गैब्रियल आल्बर्ट, सिगमंड न्यूमैन, रायशी मैक्रीडीस और वार्ड और ए एम जी स्मिथ। ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं, चार ऑप्शन में से सही जवाब कौन सा है। सही जवाब है रायशी मैक्रीडीस और वार्ड, ये
जो विचारक हैं इन्होंने तुलनात्मक राजनीति की परिभाषा दलों, हितों और नेतृत्व संरचना के मुख्य रूप से संबंधित होने के रूप में दी थी। अगला क्वेश्चन है द प्रेजिडेंशियल रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, जीन ब्लॉन्डेल, डोरोथी पिल्कस, वाल्टर वेजहार्ट, EH कार। तो इसमें जो सही ऑप्शन है अर्थात सही जवाब जो है जीन बोलोडेल ने ये किताब लिखी थी। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं और उम्मीद करता हूं जो मैंने प्रश्न आपको बताए हैं वो आपको अच्छे लगे होंगे और आपने इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से सभी प्रश्नों को जवाब देने की कोशिश की होगी। और ये मैं आपको बता दूं, ये प्रश्न पिछले परीक्षाओं में पूछे गए हैं, वहीं से ये प्रश्न मैंने लिए थे ताकि एक अभ्यास किया जा सके। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए मैंने इस वीडियो में 20-22 प्रश्नों को सम्मिलित किया है और आप सभी से मैं अनुरोध करूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, खासतौर उन लोगों तक ज़रूर पहुँचे जो लोग UGC नेट 2019 में परीक्षा देने जा रहे हैं और जो लोग पॉलिटिकल साइंस को अपना सेकंड पेपर के रूप में उन्होंने चुन रखा है। इस वीडियो के ऊपर आपकी जो प्रतिक्रियाएं होंगी उसके आधार पर मैं अगली वीडियो बनाऊंगा। और मैं आप सभी को एक बार फिर यह सलाह देना चाहूंगा कि जितना ज़्यादा आप इस प्रकार के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का अभ्यास करेंगे उतना ही अधिक आप ऐसे प्रश्नों को हल करने के अभ्यस्त हो पाएंगे, जिससे आप जब परीक्षा में बैठेंगे तो आप बहुत ही निश्चिंतता के साथ, बहुत ही आराम से, सरलता के साथ ऐसे कठिन से कठिन प्रश्नों को भी हल कर पाएंगे। मेरी शुभकामनाएं आप सभी लोगों के साथ हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।